हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप ऑफ मेटल वायर आर लेइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग ईच अदर। लूप ए इज कैरिंग ए करंट विद इंक्रीज विद टाइम। इन रिस्पॉन्स द लूप लूप बी ऑप्शन ए इज रिमेन स्टेशनरी, ऑप्शन बी इज अट्रैक्ट बाई द लूप ए, ऑप्शन सी इज रिपेल्ड बाई द लूप ए, एंड ऑप्शन डी इज रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास विद सी एम फिक्स। ओके, तो पहले क्वेश्चन का अपने की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए लेंज का जो नियम है वो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जो कि किस चीज को बताता है, इंड्यूस करंट को बताता है, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस करंट, ये अपने पास क्या हो जाएगा इसका की कॉन्सेप्ट। और इंड्यूस करंट की अपने बात करें तो इंड्यूस करंट है वो अपने को ध्यान रखना है कि क्या रहता है, अपोज द चेंज, यानी जो चेंज होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने इस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन में अपने को दिया गया, ये अपने पास एक लूप वायर है, ठीक है, इसके नियर बाई एक अपने पास सेकेंड लूप है जो कि बी है, ये अपने पास ए है। इसमें जैसे ही अपने जो करंट है वो फ्लो हो रहा है उसको इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने करंट फ्लो है वो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, यानी ये क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या है, इसमें करंट है वो आई ए फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको जैसे इंक्रीज करते हैं तो बी के साथ अपने पास क्या होएगा, अपने को देखना था। तो देखिए अपने जानते हैं कि जैसे ही जो करंट आई है वो इंक्रीज होएगा तो यहाँ पे अपने पास क्या लगेगा, लेंज का नियम लगेगा, और लेंज के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होएगा, इंड्यूस करंट होएगा, इंड्यूस करंट। या आपने कहें कि इंड्यूस करंट है वो क्यों प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब देखिए फ्लेमिंग का जो नियम है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से अपने देखें, राइट हैंड रूल से यहाँ पे अपने पहले मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो देखिए इस डायरेक्शन में अपने क्या है, फिंगर को लेके जाएंगे तो जो थंब है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, जो कि क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ भी आएगा अपने पास, इसके नियर भी क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इंड्यूस्ड करंट जो है वो क्या रहता है, इंड्यूस्ड करंट है वो अपोजिट रहता है, यानी ये क्या करेगा, बी को इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगा, और बी को इस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए अपने को करंट का जो फ्लो है वो भी क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार कह देंगे कि यहाँ फ्लो जो होगा वो अपने पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखिए जब दो वायर अपने पास होते हैं जिसमें एक में क्या हो क्लॉकवाइज और एक अपने पास क्या हो एंटी क्लॉकवाइज, यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास दो वायर हो तो वो उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे पे फोर्स देखें तो वो क्या लगते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, जिसके कारण फोर्स के कारण यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये रिपेल्ड करेंगे। इसलिए अपने कह देंगे कि दोनों वायर है उसमें करंट का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल्ड करेंगे। तो ऑप्शन सी है वो इसका सही होगा, इज रिपेल्ड बाय द लूप ए। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।